एंड आई होप टाइगर आज मुझे मिल जाए. सो वी डिड अ न्यू परचेस. हम लोगों ने एक गाड़ी ली है. सबसे खराब ड्राइवर ना इधर ही मिलेंगे सब आपको. अरे साइड से मतलब अंकल जगह तो दे दो. Guys, I'm Ashish Krishna and you're watching the Adventure Kids. So my room might look a bit mess because हम जा रहे हैं, अगले राइड की तैयारी हो रही है फुल ऑन. अभी हम लेकर जा रहे हैं सिद्धा को सर्विस सेंटर. ऐसा है कि अभी GoPro सेटअप में लगा रहा था, अभी जस्ट मैंने नोटिस किया कि GoPro सेटअप में मेरा ना बीच में छोटा सा क्लैंप रहता है, टूटा हुआ है, और उसके वजह से क्या है कि मेरा GoPro फिट नहीं हो रहा है. तो एंगल थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, बट अभी वो एडिटिंग के टाइम पे समझेगा कि कैसा है. तो आई होप इट कैप्चर्स ठीक ठाक. अगर नहीं तो यार लेने के देने पड़ जाएंगे, ये व्लॉग वेस्ट जाएगा. बट या वी आर लेट. द टाइम राइट नाउ इज 12:30. ओ ये दिख गया भाई. बेसिकली अगर आप लोग के पास टाइगर 900 है या कोई भी बाइक है जिसमें एल्यूमिनियम या ऐसा कुछ है, तो दिस इज वन ऑफ द गुड ऑटो सोल का. दिस इज मेटल पॉलिश. ये बेसिकली राइडन के पास ऑलमोस्ट 2-2.5 महीने से. इसने फाइनली जब हम लोग अभी रिसेंटली सोशल नेशन के लिए मिले थे तब उसने ये दिया. एंड इसको यूज करेंगे टाइगर आने के बाद. एंड आई होप टाइगर आज मुझे मिल जाए, विच आई डोंट थिंक मिलने वाला है, बिकॉज इफ आई रीच पहुँचते पहुँचते भी 2:30 बज जाएंगे. 2:30-3 बजने के बाद 6 बजे तक सर्विस सेंटर ओपन रहता है. एंड आई होप मुझे मिल जाए. अगर नहीं, मैं तो एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा हूँ कि आज गाड़ी मिलेगी, बट अगर मिल गया तो दैट्स वेल एंड गुड. लेट्स गो, वी आर गेटिंग लेट. उसके अलावा हम एक छोटा सा अपग्रेड सोच रहे हैं टाइगर पे. स्लिप ऑन लग चुका है, तो स्लिप ऑन के रिलेटेड ही कुछ सोच रहे हैं. तो लेट्स सी, अभी गेस मारो, कमेंट में बताओ क्या हो सकता है. खड्डा खड्डा खड्डा. खड्डा इज एवरीवेयर. स्पेशली ये टेम्पो वाले हो जाते हैं, देन ये ओला ड्राइवर वाले हो जाते हैं, ये सब सबसे खराब ड्राइवर ना इधर ही मिलेंगे सब आपको. 38 मिनट्स दिखा रहा है अभी, और सब ग्रीन है ही, और ट्रैफिक मेजर भी कहीं मिल नहीं रहा हमें. ओ वाओ, महंगी गाड़ी पकड़ी भाई. मैं सोच रहा हूँ एक स्कूटी ले लेते हैं मस्त, बट अभी ये समझ में नहीं आ रहा. सो स्कूटी इन माय फैमिली इज़ दैट प्लेजर करके एक स्कूटी आती थी. इट इज़ द वेरी फर्स्ट जनरेशन वाला प्लेजर. सो ऑलमोस्ट 2010 या 2011 में लिया था, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग. सो द थिंग इज कि मैं सोच रहा हूँ, मैं देख रहा था बीच में, स्कूटी हंट पे मैं जाऊँगा मोस्टली, बट स्कूटी हंट कर रहा था तो आई केम अप विद दिस कपल ऑफ स्कूटीज विच वर आई रियली लव द जुपिटर. मैंने रिसेंटली एक जुपिटर देखा, ब्लू कलर का नया वाला भाई, एकदम स्मार्ट टेक फीचर्स. आई एम नॉट दैट फैन ऑफ फीचर्स, मुझे फीचर्स नहीं चाहिए वैसे तो, बट जैसे ही उसका मैंने बूट स्पेस देखा, लाइक द डिक्की जो सीट के नीचे है, एंड आई वॉज लाइक भाई कितना ज़्यादा जगह. आई कैन फिट 2 full face helmets इन दैट. इट इज़ दैट स्पेशियस, अमेजिंग मैन, मज़ा आ गया था वो देख के. सो या दैट इज़ वन थिंग कि वो मैं एक रख रहा हूँ कि जुपिटर एक हो सकता है. एंटॉर्क में मेरे को इतना मन नहीं, एप्रिलिया में भी मन नहीं, बर्गमैन अगर आप लोग कमेंट में बोलोगे बर्गमैन मेरे को नहीं चाहिए भाई. बस एक ही एक रीज़न है एंड आई वॉन्ट यू टू टेल दैट रीज़न इन द कमेंट सेक्शन बिलो. पॉज करो वीडियो यहाँ पर, नीचे जाओ, बर्गमैन क्यों नहीं बताओ मेरे को नीचे. बट आई एम नॉट गोना आंसर दिस, यू हैव टू आंसर दिस. सो द नेक्स्ट इज एप्रिलिया देखा, बट एप्रिलिया यार ऑफकोर्स मुझे थोड़ा परफॉर्मेंस वाइज नहीं चाहिए. आई एम जस्ट लुकिंग फॉर जस्ट डेली कम्यूटिंग जैसा. सो एक्टिवा इज़ ऑल्सो बेस्ट ऑप्शन, बट मुझे वापस वही एक्टिवा में नहीं जाना, बिकॉज एवरीवेयर आई सी देयर इज़ वन एक्टिवा, इन आउट ऑफ 10 यू विल फाइंड 4 to 6 एक्टिवाज. सो ये देखो वन मोर एक्टिवा. सो एक्टिवा एंड एक्सेस इज़ ऑल्सो एन ऑप्शन फॉर मी. एक्सेस भी मेरे को काफ़ी अच्छी लगी.
तो लेट्स सी क्या होता है। सो आई सीरियसली वॉन्ट टू शो कि मतलब जो मैं बता रहा हूँ ना कि ये हर जगह सीमेंट सीमेंट होने की वजह से क्या होता है। आई शो यू दिस। अंकल पक्का अंकल गिराएंगे। अरे सी सो दिस इज योर प्लेन रोड। वेन एवर आई थ्रॉटल अप ट्रैक्शन देखना कट हो जाएगा। यू सी दैट, सी दैट, दैट इज द इश्यू विच आई एम हैविंग। इसलिए मेरे को सीमेंट रोड। अंकल अंकल अंकल, मेरा दोस्त एक है अच्छा खासा, तो उसी को बोल के ना फ्यूचर के रोड सब तार वाले डलवाऊंगा मैं अच्छे से। इसका मतलब ये नहीं कि मैं पॉलिटिशियन बनने वाला, प्लीज़ प्लीज़ ये मत समझना, मेरा कहने का मतलब ऐसा नहीं था। आई लव टू सी माई सेल्फ व्हेन आई एम राइडिंग, मेड बी एनी बाइक। अरे साइड से मतलब अंकल जगह तो दे दो। पैंट पूरी गीली हो गई। ओहो हो 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 हो, मस्त दिख रहे थे अपन। फोक लिफ्टर अंकल, हॉर्न नहीं है मेरे पास। सया बाय द वे हॉर्न भी काम नहीं कर रहा है, तो वो भी दिखाने गए। अभी हम पहुंच गए। डालू अंदर। ओहो डेटोना खड़ी है भाई सामने सामने। The update is I have to leave Siddha here for the night. तो कल जब आऊंगा तो रॉकेट को लाऊंगा, बिकॉज रॉकेट का एक साल होने को आया है, तो उसका फर्स्ट मेजर किट सर्विस ड्यू होगा। तो बेटर आई ब्रिंग रॉकेट टुमारो। कीप रॉकेट हियर, आई टेक सिद्धा टुमारो। पूरी जिंदगी ना मतलब ट्रायम्प के आजू बाजू कटने वाला है मेरा। As I said, सिद्धा इज गेटिंग प्रिपेयर फॉर हर बिग लॉन्ग 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 वाला राइड। सो द थिंग इज ब्रेक पैड चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ब्रेक पैड 50% है, सो आई एम कैरिंग अ स्पेयर ब्रेक पैड। छोटे मोटे जो सर्विस है वो भी हो जाएगा। कैब बेसिकली बुक कर दिया और बहुत आवाज़ आ रहा रहेगा। कैब आ रहा है 9 मिनट में, आई हैव 9 मिनट। सो या मैं ये बोल रहा था कि थ्रॉटल बॉडी क्लीन हो जाएगा, हॉर्न चेंज हो जाएगा, छोटे मोटे निक्स एंड पिक्स है, जैसे कि मेरा पीछे का टॉप बॉक्स का जो रैक है वो बहुत ज़्यादा बॉबल कर रहा है, मुझे ऐसे फील हुआ। बट उनके हिसाब से उनको लग रहा है कि इतना ज़्यादा हो नहीं रहा है, तो लेट्स सी। वैसे आज 6 बजे तक मुझे गाड़ी मिल सकती थी, बट वो जल्दीबाजी में काम करते हैं, देन कुछ ना कुछ छूट जाता। देन मैंने सोचा यार थ्रॉटल बॉडी क्लीन करने के लिए आपको पूरा पैनल निकालना पड़ता है, विच टेक्स अप थोड़ा बहुत टाइम, सो आई डोंट वॉन्ट टू रश थिंग्स। ऐसा सोया हूँ मैं, नेक्स्ट लेवल सोया हूँ मैं। पहली बार ओला में इतना अच्छा मिंट कंडीशन वाली गाड़ी देखी मैंने, एकदम नई नई कार Hyundai Aura, मस्त हो गया मैं, मस्त मजा आ गया। सो दो तीन दिन पहले एक और न्यूज था जो मैंने आप लोग को नहीं दिया है, वो इंस्टाग्राम पे भी मैंने कहीं नहीं डाला है, तो ये ब्लॉग के बाद मैं डाल दूंगा। सो वी डिड अ न्यू परचेज। हम लोगों ने एक गाड़ी ली है, गाड़ी नहीं साइकिल ली है, उसका शॉर्ट्स मैं भी डाल देता हूँ। मन आया था उसके गाड़ी के साइकिल की डिलीवरी के लिए, तो हम लोगों ने एक नई साइकिल ले ली, लाल लाल एकदम मस्त, एकदम स्ट्रीट ट्रिपल आई की सोची, लाल कलर की। बट पहले साइकिल आ गई लाल कलर की, उसके बाद ओ शिट मैंने बता दिया कि मेरा अगला बाइक कौन सा है। सो या शॉर्ट्स एंजॉय करो, उसके बाद मिलता हूँ मैं आपको। फ्लैशबैक। कंग्रेचुलेशंस मन। थैंक यू। क्या बोलता है मन, पार्किंग में एक और आ गई, स्ट्रीट ट्रिपल सोचा था बट स्नेल आ गई। स्नेल 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 भाई अच्छा है ना, इसमें 21 गियर है। हॉर्स पावर कितना? टांगो पावर। टांगो पावर वो तो तेरे पे डिपेंड करता है। अभी एडवेंचर किट कहाँ लिखवाऊंगा मैं इसमें। बट भाई साइकिल में भी इतना कुछ आ गया है ना, मैं जब पहला साइकिल लिया था तब कुछ इतना कुछ था ही नहीं, अभी वो इतना फीचर्स बताया, मेरे बाइक में इतने फीचर नहीं है जितना इसमें साइकिल भाई सबसे। ये तू ये देखा क्या, तू ये देखा? मैं इधर शौक था भाई, इधर विषय संपला खत्म। हम लास्ट ईयर जैसे जा रहे हैं क्या? मेरी साइकिल कंडीशन में नहीं है। Yulu Zindabad. If you like this video for whatever reason, please do hit the like button, please comment, share and subscribe. Like तो करना ही पड़ेगा, और comment करो करो कौन सा स्कूटी क्या है सब comment करो। Respect the streets, ride with proper gears and chase your dreams. I'll meet you soon in the next vlog. Until then, bye bye, take care, ride safe. और जल्दी मिलेंगे अगले vlog में भी, बताने का कोशिश करेंगे या आप लोग को hint देंगे, आप लोग guess करने का try करो कि अगला हम कहाँ जा रहे हो सकते हैं।
सो अगर आप लोग ने इंस्टाग्राम पे नहीं फॉलो किया है तो जाके फॉलो करो HK_adventurekid, उधर थोड़ी मस्ती नेक्स्ट लेवल की होती है, तो जाके फॉलो करो एंड चलो बाय बाय।